वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्षेदार आशुतोष। तो आज आपको मैं बहुत ही अच्छा लॉजिक समझाने जा रहा हूँ। काफ़ी सिंपल लॉजिक है, आप इस लॉजिक को देखिए किस तरह से हम ऑप्शन में अगर हमको बाय करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक लॉजिक दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से लॉजिक वर्क करता है। तो देखिए, हम कोई सा भी जो है ऑप्शन का चार्ट लेंगे, इंडेक्स का नहीं, ऑप्शन का चार्ट लेंगे। तो अब यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट जैसे मैंने लिया, ठीक है, ऑप्शन का चार्ट लेंगे और वैसा ऑप्शन का चार्ट लेंगे जिसकी प्रीमियम अप्रोक्स जो हम डिसाइड कर लेंगे लगभग 100-200 के आसपास की प्रीमियम होना चाहिए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मूवमेंट मिले। अगर आप 40-50 के प्रीमियम ले लेंगे तो मूवमेंट उतना अच्छा होगा नहीं, क्योंकि डीप आउट ऑफ द मनी चले जाएंगे हम। तो 200 के आसपास, 100-200 के आसपास के प्रीमियम वाला कोई ऑप्शन सिलेक्शन कीजिए। उसके उसके बाद जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है कि जो रेड कैंडल बनेगी उसके ब्रेकआउट का वेट करना है। किसका? जो रेड कैंडल बनेगी उसके ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे कि यहाँ हाई कैनेशी वाला चार्ट ले लिया हमने, 2 मिनट का चार्ट ले लिया, हाई कैनेशी का 2 मिनट का चार्ट ले लिया। हम 3 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में भी कर सकते हैं, बट मैं आपको जो मैंने आज आपको मैं लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूँ वो 2 मिनट का बताऊंगा, इसलिए मैं 2 मिनट के चार्ट पे आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमको एक ब्रेकआउट मिला, ये ब्रेकआउट मिला, तो उसके बाद में हमारा जो SL क्या होगा, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो कितना है, 213 दिख रहा है आपको, 213 यहाँ देखिएगा आप, है ना। तो ये मान लीजिए ये वाले कैंडल का हाई कितना है, 231, और लो कितना है, 213। तो जैसे ही अगली वाली कैंडल बनी और इसने इसका हाई ब्रेक किया, उसके बाद में क्या होगा कि हमारा जो लो ये क्या है, कौन सा हमारा लो, 213 है। तो ये लो को हम क्या कर देंगे, इस ये वाली कैंडल जब फॉर्म हो जाएगी तो इस कैंडल के लो पे हम इसका SL शिफ्ट कर देंगे। तो SL हम क्या कर रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं। तो SL कैसे ट्रेल कर रहे हैं, अब इसका पहले लो क्या था, पहले लो था 213, अब इसका लो हो जाएगा हमारा 225। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसके SL को प्रीवियस कैंडल के लो पे शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप ये यहाँ पर भी लगभग लो बराबर ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला कैंडल का लो जो है इस वाले कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पर यहाँ से एंट्री किया और यहाँ से निकल गए। ठीक है, काफ़ी सुनने में आसान लगता है, ठीक है, बट अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें क्या एक्चुअली में हमको जो है एक्चुअली हमको यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो एक अच्छा हेल्दी प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। प्रॉब्लम क्या कब आती है, जब हमको ऐसा मार्केट मिलेगा, देखो आप इस तरह का मार्केट जिसमें हमारा SL तुरंत हिट होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये वाली कैंडल ही मान लें, इस कैंडल को ब्रेकआउट ब्रेक किया, ठीक है, इस कैंडल को जैसे हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद में इसका पहले तो इसका SL काफ़ी बड़ा था, बट चूंकि हम क्या कर रहे हैं, SL को ट्रेल कर रहे हैं प्रीवियस कैंडल के लो पर, तो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे हिट हुआ, तो एंट्री और एग्जिट लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम जगह पे निकल गए हम लोग। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फिर एंट्री हुई, ये यहाँ पे एंट्री हुई, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फिर यहाँ पे हम जो एग्जिट हो गए, तो हम जो यहाँ पर इस तरह के मार्केट में क्या होगा, हमारा SL तो हिट होगा बट जो लॉस होगा ना वो काफ़ी हमारा छोटा हो जाता है। छोटा किस लिए हो जाता है, क्योंकि हम SL को प्रीवियस कैंडल के लो पर शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये हो कि अगर मान लीजिए इस तरह के 4-5 बार SL हिट हो गए, मान लीजिए 200-200 करके नुकसान हो गया, तो नुकसान हमारा बढ़ता चला जाएगा, तो उस नुकसान को हम कैसे कवर करेंगे। तो उस नुकसान को कवर करने का तरीका ये है कि आप जो है पहले मान लीजिए 30 क्वांटिटी से आपने स्टार्ट किया, मतलब दो लोट से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाइए, 60 से, फिर 120 से, इस तरह से धीरे धीरे आप क्वांटिटी अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि मार्केट कभी भी एक जैसा ऐसा नहीं रहेगा, उसको बीच में कहीं ना कहीं तो स्पाइक देना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ आपके मान लीजिए 4 ट्रेड हो गए, 30-30, 60-60, 120-120, तो लेकिन अगला ट्रेड एक ऐसा बूस्ट मारेगा ताकि आपके सारे जो छोटे छोटे लॉस थे वो सारे लॉस यहाँ कवर करके हम निकल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए बड़ा हेल्दी प्रॉफिट, फिर एक बड़ा हेल्दी प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको ऐसा नहीं, कॉल में हम कॉल और पुट दोनों का चार्ट देखेंगे, जैसे कॉल का चार्ट है इस तरह से ये पुट का चार्ट है, तो हम कॉल और पुट दोनों का चार्ट देखेंगे और दोनों में हम एक चीज नोटिस करेंगे कि हमको क्या करना है, रेड कैंडल के ब्रेकआउट को चेक करना है। जैसे ये वाली कैंडल देखिए, ये वाले कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ ट्रेल करते करते यहीं वाला हीट हो गया हमारा, यहाँ हीट हो गया, तो हम आगे ट्रेड नहीं लेंगे, हम अगली बार फिर से वेट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाली कैंडल का ब्रेकआउट, इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया, SL यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ SL हिट हो गया, तो मतलब आप देखिए यहाँ पे एंट्री हुई थी और यहाँ एग्जिट हो गई, मतलब अप्रोक्सीमेटली नियर आपके जो है, मतलब जो एग्जिट हो रहे हैं ना आप, एग्जिट जो हो रहे हैं वो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली बड़ा भारी, मतलब बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा। अगर हम मान लीजिए SL यही रखते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बट SL ट्रेल करा रहे हैं प्रीवियस लो पे, तो हमारा SL जो छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो हमको पहली चीज़ तो ये करना है कि रेड कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लगना है।
दूसरा हमको ये करना है कि अगर मान लीजिए हमारा जो कंटिन्यूसली दो चार लॉस चले जाते हैं, अगर पहला लॉस हो गया तो हम 30 क्वांटिटी पे मान लीजिए स्टार्ट किया, ठीक है, दूसरा लॉस हो गया फिर से 30 पे ही किया, फिर अगला लॉस हुआ तो हम 60 पे चले गए, फिर ऐसे धीरे धीरे करके क्वांटिटी आप बढ़ाइए। अगर मान लीजिए बढ़ाने में तो आप मान लीजिए पहला एक लॉट से किया, दो लॉट से किया, चार लॉट से किया, आठ लॉट से, ऐसे भी कर सकते हैं, बट क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ी चली जाएगी। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाना, 30 30 60 60 120 120 ऐसे करके आप 120 240 तक जाएंगे तो आपका टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी बढ़ जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये आपने समझ गए लॉजिक क्या है। अब मैं आपको इसको जो है ये आपको समझाता हूँ क्लियरली। जैसे ये मेरा जो है मैंने आज का जो लाइव डेमोस्ट्रेशन किया था, इसमें मैंने बताया था आपको 30 अल्टरनेट वाला जो लॉजिक है, वो मॉडिफाइड अल्टरनेट एक और लॉजिक है, मतलब लॉट मल्टीप्लिकेशन का, बट आपको समझाने के लिए अल्टरनेट लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी को देखे, बैंक निफ्टी हमने 2 मिनट का चार्ट लिया, ठीक है, हमने हमको टूल को बोला कि 200 से 300 के प्रीमियम लेना है आपको, ठीक है, और मैक्सिमम लॉस हमें 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमने इसमें एक चीज़ और एडिशनल ऐड की कि 50% क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए दो लॉट से स्टार्ट किया तो हमने क्या बोला कि 50% क्वांटिटी, तो आप 5% प्रीमियम, जैसे मान लीजिए 200 पे की प्रीमियम अगर आपने लिए तो 200 का 5 10% हो गया हमारा 20 पॉइंट, तो हम 10 पॉइंट, तो 10 पॉइंट आप ले लीजिए, 10 पॉइंट पे 50% क्वांटिटी 10 पॉइंट पे बुक कर लीजिए, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी जब 20% प्राइस राइज करे, मतलब 200 के प्रीमियम पर अगर एंट्री हुई तो 240 जब प्रीमियम हो जाए तब हमारी 50% क्वांटिटी तब बुक कर लेना, ठीक है। तो इससे हमारा एक बेनिफिट क्या है, अगर मान लीजिए टुकड़ों में, जैसे यहाँ तो मैंने आपको लॉजिक तो समझा दिया, लॉजिक तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, लेकिन इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है मार्केट ऐसे ही जाकर के फिर हिट हो जाता है, तो क्या हो रहा है कि हमने हम क्या कर रहे हैं कि आधी क्वांटिटी को 5% बुक करें, क्योंकि देखो 200 के अगर आपने प्रीमियम लिए तो 5% में 10 पॉइंट जो है ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो 5 एटलीस्ट हम जो है एक जो आधे लोट को तो हम बुक कर लें 5% पे, फिर आधे लोट को हम छोड़ देते हैं किसके लिए, 20% क्वांटिटी राइज के लिए। अगर बढ़ती है तो ठीक, नहीं बढ़ती है तो जिस तरह से हमारा एसएल ट्रेल हो रहा है कहीं पर भी यहाँ पे बाहर निकल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि यहाँ पे किस तरह से ट्रेड स्टार्ट हुई। देखिए मैंने 12:18 पे टूल को स्टार्ट किया, टूल ने कंटिन्यूसली ट्रेक किया कि जो है मेरा रेड कैंडल उसने फाइंड किया, कॉल और पुट दोनों का, देखिए ये पुट का फाइंड किया, फिर इसने जो है देखा कि जो है आप देखो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी कॉल की, तो ग्रीन कैंडल पे हम ब्रेकआउट नहीं देखते, हम सिर्फ रेड कैंडल पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हुआ। फिर हमारा जो ट्रेड हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रेड कहाँ हुआ हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से टूल, ये ऑटोमेटेड टूल है, उसी लॉजिक पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो ट्रेड हुआ वो दिखाता हूँ कि ट्रेड किस तरह से हमारा ट्रेड एंटर हुआ, किस तरह से ये जो हमने 5600 का प्रॉफिट हुआ ये किस तरीके से हुआ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, ये देखिए ये हमारा पहला ट्रेड यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ से हुआ 12:27 पे, 12:27 पे हमारा जो पुट में पहली एंट्री हुई हमारी, कौन से पुट में एंट्री हुई, तो ये पुट था हमारा 46,500, हमने क्या डाला था 200-300 के प्रीमियम, इसलिए इसने 200 के प्रीमियम वाला वो पुट को उठाया 46,500 और 12:27 पर। ठीक है, इसने पहले से बोल दिया, इसका क्या बताया, एंट्री बता दी 230 और एग्जिट बता दिया 214, मतलब ये लो है, ये हाई और ये लो है। ठीक है, तो ये 12:27 पे हम देखते हैं 46,500, तो 46,500 हमारा ये है 12:27, तो 12:27 हमारा कब हुआ, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको 12:27, ये देखिए आप देख रहे हैं हम ये कैंडल 12:27, मतलब 12:25 की कैंडल स्टार्ट हुई और 27 पे क्लोज हो गई होगी, है ना, जब कैंडल स्टार्ट जो हम नीचे जो टाइम देखते हैं वो एटली एंट्री का होता है, तो ये आप पे एंट्री पे स्टार्ट हुआ और 27 पे क्लोज हो गई और ये अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। आप देखिए ये कैंडल पे जब इसने टूल ने क्या बताया था कि ये देखिए टूल यहाँ पे हाई और लो देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप तो हाई देखिए 230 है, 230 है और लो कितना है 214, देखिए टूल ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रेक कर लिया था उसको, हाई कितना है 230 और लो कितना है 214। ठीक है, जैसे ही वो ब्रेक हुआ और एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद में देखिए हमारा यहाँ से ये इसका फिर अगला जो लो था वो कितना था, हमारा इनिशियल लो तो हमारा क्या था 214, फिर लो कितना था 221, फिर लो कितना हुआ 224। तो आप देखिए टूल ने जो है देखिए धीरे धीरे जो है टूल ने क्या करा, न्यू कैंडल का स्टॉप लॉस
जब अगली कैंडल बनी तो उसने एस एल शिफ्ट कर दिया हमारा, क्या कहना, 221। फिर अगला हमारा एस एल क्या शिफ्ट कर दिया, 224। उसके बाद हमारा एस एल हिट हो गया था। आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एस एल, ये वाली कैंडल जैसे बनी एस एल हिट हो गया। बट आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि हमने जो ट्रेड स्टार्ट की थी वो दो लोट से स्टार्ट की थी, दो लोट से स्टार्ट की थी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमको लॉस हुआ वो कितना, 174 का लॉस हुआ। ठीक है, मतलब लॉस काफ़ी छोटा था। ठीक है, यहाँ पे हमने दो लोट ही लिए, हम चाहे तो ज़्यादा लोट ले सकते थे लेकिन बता रहा हूँ दो लोट लिए, दो लोट से हमने जो है एक अच्छा अमाउंट हेल्दी यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, तो अब दिखाता हूँ भाई, ये यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड खत्म हो गया, फिर से टूल ने स्टार्ट ट्रेक किया वही लॉजिक वाला, तो यहाँ पे उसको नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। उसके बाद में ये यहाँ पर, यहाँ पे फिर हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ कितने, 12:35 पर। तो 12:35 फिर इसने क्या ढूंढा, 47,600 का कॉल, 47,600 का कॉल 12:35। तो देखिए ये वाली कहाँ हमारा चली गई, ये वाला देखिए 12:33 टाइम हो रहा, 12:33, तो 12:33 पे स्टार्ट हुई तो 12:35 पे क्लोज हो गई। तो ये वाली कैंडल उसने ट्रैक कर ली। अब ये वाली कैंडल जब उसने ट्रैक कर ली तो इसका हाई देखिए ऊपर, यहाँ पर, यहाँ पे फोकस करिए, इसका हाई देखिए, इसका हाई हमारा 231 और लो है इसका 213, 231 और तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 231 इसने ढूंढ लिया, क्या दिखा, 231 इसने ढूंढ लिया 231 और इसका लो है 213। तो इसने जैसे ही यहाँ पे आया और इसने क्या करा कि यहाँ पर जो है अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, 231 का इसका हाई ब्रेक हुआ। उसके बाद में देखिए आप कंटिन्यूसली यहाँ पर हमको एक अच्छा मूवमेंट मिला। तो इसने देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर तुरंत थोड़ी देर बाद ही 235 जैसे एंट्री हुई, एंट्री लेवल रिस्ट, मतलब कि हमने क्या बोला था यहाँ पे, यहाँ पे क्या डाला था, आधी क्वांटिटी आप क्या करिए 5% बुक कर लीजिए, रिमेनिंग 20% जब बढ़ जाए तब आप बुक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर टूल ने क्या करा कि जब हम 30 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो 15 क्वांटिटी जो है हमारी क्या हुई, उसमें से 15 जो एंट्री लेवल, यहाँ पे आप दिखाता हूँ एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, ये एंट्री लेवल वन रिस्ट, मतलब 15 क्वांटिटी इसने क्या करा, 15 क्वांटिटी को 5%, मतलब 11-12 पॉइंट पे जब बढ़ा तब उसने बुक कर लिया, मतलब 183 का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, उसके बाद में अगला जो है, अगला लेवल फिर से रीच हो गया हमारा, देखो 239 वाले पे हमारा जो अगला लेवल रीच हो गया, हमारे एंट्री की थी यहाँ पर कितने, 231 पे एंट्री की थी और लगभग लगभग 277 के आसपास, 278 के आसपास प्रीमियम चली गई। तो 718 रुपये हमने जो है अगले 15 लोट, मात्र एक लोट से, 15 क्वांटिटी से 718 हमारे बुक हो गए। ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ ट्रेड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है टूल ने किस तरह से यहाँ पर ट्रेड लिया। ठीक है, आप समझ रहे हैं ब्रेकआउट किस तरह से हम कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, जो एस एल, ये देखो कैंडल का, न्यू कैंडल का एस एल शिफ्ट हो रहा था 239 पर, जब हमारा चली गई थी 228 हमारा जो है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से जो है हमारा जो है 37 मतलब कि 220, ये 37 वाली कैंडल कब क्लोज हुई होगी, 239 पर लो कितना है 228, तो देखिए 228 इसने लो को शिफ्ट कर दिया था। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हम एसएल को क्या कर रहे हैं, साथ में एसएल को ट्रेल भी कर रहे हैं प्रीवियस कैंडल के लो पे और रेड कैंडल के ब्रेकआउट पे क्या कर रहे हैं, हम एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से हमने यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट लगा करके पूरा ट्रेड यहाँ पे किया है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया किस तरह से किया है, और 5,600 का हमको प्रॉफिट हुआ। हमने टूल को स्टार्ट किया था लगभग 12:30 के आसपास, ठीक है, और स्टार्ट किया था मात्र कितने, दो लॉट से। अगर कंटिन्यूसली मैंने जैसे आपको बोला कि यहाँ पे हमने ऑप्शन क्या सिलेक्शन किया, अल्टरनेट लॉट, अल्टरनेट लॉट, और कब तक बोला इसको कि 10 बार से ज़्यादा आपको ये नहीं करना है काम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला लॉस अगर हो जाता मान लीजिए हमको, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को, हमारी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी को और बढ़ाया, और कैसे बढ़ाया कि अगर हमने यहाँ पे प्रॉफिट को प्रोबेबिलिटी बढ़ाने क्या किया कि आधी क्वांटिटी हम 5% पे बुक कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है 5% पे बुक कर रहे हैं, और दूसरी रिमेनिंग जो 50% क्वांटिटी अगर वो ऊपर नहीं भी जाता, 20% तक नहीं भी जाता, तो चूंकि हमारा एसएल ट्रेल का ऑप्शन है उससे वो कहीं ना कहीं तो बाहर हो जाएगा, या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लेगा या फिर थोड़ा बहुत लॉस में। तो एटलीस्ट हम जो है हमारी प्रॉबिलिटी बढ़ाने के लिए हम 5% पहले आधी क्वांटिटी बुक कर रहे हैं, फिर 20% पे हम आधी क्वांटिटी बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए दोनों में फिर भी लॉस हो जाए, मान लीजिए दोनों लॉस हो जाए, तब भी वो क्या करेगा, 30-30, 60-60, 120-120, इस तरह से लॉट को ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। ग्रेजुअली इंक्रीज करने से क्या होगा कि हम प्रीवियस अगर लॉस हो भी जाता है हमको तो उसको रिकवर कर सकें। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। अब हम देखते हैं इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन, जो ये ट्रेड हुई थी 5,605 रुपये वाली, तो इसको हम 5,600 वाले ट्रेड को लाइव डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। आइए हम देखते हैं। देखिए
ये हमने जो है टूल को लगभग 12:41 मैंने आपको बोला था ना, 12:12 के आसपास हमने स्टार्ट किया था, लेकिन 12:41 पर लगभग हमको दो लोट से हमने स्टार्ट किया। उस समय हमको जो यहाँ पे 727 का प्रॉफिट लगभग दिख रहा था, ठीक है। हमने लगभग 12:15 में आपको दिखाया था, 12:15 के आसपास हमने इसको स्टार्ट कर दिया था, और ये लाइव पेपर मोड में हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है आप देख सकते हैं। और ये हमारा ट्रेड यहाँ पर अभी 12:41 का टाइम चल रहा है, और काफ़ी सारे ट्रेड हमारे ख़त्म हो चुके जो लिए थे, लगभग 12:15 के आसपास स्टार्ट किया था, 12:18 पर हमने स्टार्ट किया, ठीक है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है हमने दो लोट से स्टार्ट किया, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसका आप पूरा वीडियो देखिएगा किस तरह से इसने जो है किस किस टाइम पे कितना कितना हमको प्रॉफिट हुआ था। लगभग 200-300 के प्रीमियम हमने ली है यहाँ पर, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये देख भी लगे 1:57 पर, 1:57 पर हमको लगभग 2,500 का प्रॉफिट हो चुका था, 2,416 का प्रॉफिट हो चुका था, कब, लगभग 1:57 पर, ठीक है। और अब हम देखते हैं लगभग 2:14 पर, 12:14 पर जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है 3,700 का प्रॉफिट हो चुका था, 3,700 का प्रॉफिट हमको लगभग, और ये लगभग 3:30 बजे जो हमको प्रॉफिट जो है 5,600 का प्रॉफिट हमको हो गया था।